13.4 कह रहा है हमारे पास एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर हैज एन इनिशियल गॉस प्रेशर ऑफ 15 एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कि हमारे पास एक सिलेंडर है ऑक्सीजन का जिसका वॉल्यूम 30 लीटर है और इसका जो प्रेशर है सिलेंडर का वो है फिफ्टीन एटीएम और टेम्परेचर है ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड आफ्टर सम टाइम ऑक्सीजन इज विद्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर कुछ समय बाद हम क्या लेते हैं कुछ ऑक्सीजन को विदड्रॉ कर लेते हैं रिलीज कर देते हैं देन द गोद प्रेशर ड्राप्स टू इलेवन ए टी एम एंड टेम्परेचर ड्रॉप्स टू सेवनटीन डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कि जब गैस सिलेंडर में फुल भरा हुआ था तब कितना था पंद्रह ए टी एम प्रेशर था ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था और कुछ गैस जब निकल गई तो उसका प्रेशर कितना हो गया एलेवन ए टी एम एंड टेम्परेचर हो गया सेवनटीन डिग्री सेंटीग्रेड अब हमें बताना है एस्टिमेट द मास ऑफ ऑक्सीजन टेकन आउट ऑफ द सिलेंडर मतलब कितनी ऑक्सीजन गैस चली गई है तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था V1 वन इक्वल टू थर्टी लीटर लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो टेन सो माइनस थ्री से कन्वर्ट करना है यहां बात याद रखनी है चाहे इनिशियल वॉल्यूम की बात करें या फाइनल वॉल्यूम की बात करें दोनों टाइम वॉल्यूम सेम रहेगा क्यों क्योंकि सिलेंडर तो कंटेनर तो उतना ही है चाहे उसमें थोड़ी सी गैस रहे चाहे ज्यादा गैस रहे वो तो गैस का काम ही है क्या अपना मैक्सिमम वॉल्यूम को गेन करना तो V1 और V2 दोनों ही सेम रहेंगे 30 इंटू टेन सो माइनस इनिशियल टेम्परेचर की बात करें पी वन फिफ्टीन एटीएम है कितनी 1 तो आ जाएगा हमारे इनिशियल टेम्परेचर की बात करें तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है मतलब थ्री हंड्रेड कैलवेन है हम बहुत अच्छे जानते हैं कन्वर्जन नाउ लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एट इनिशियल स्टेट इज एन वन एंड ऑफ द ऑक्सीजन एट इनिशियल स्टेट इज एम वन मतलब तो नंबर ऑफ मोल कितने आ जाएंगे एन वन इक्वल टू पी वन वी वन अपॉन आर टी वन और चूंकि हम ये भी जानते हैं एन वन इक्वल टू मासजन अपॉन मोलर मास एन वन की जगह में क्या रख दून वन अपॉन एम तो एम भी धर आ जाएगा तो टोटल जो मास आएगा ऑक्सीजन का इनिशियल मास वो कितना हो जाएगा पी वन वी वन आर टी वन में M का, M का मल्टीप्लाई हो जाएगा पी वन हमें पता है वी वन हमें पता है एम ऑक्सीजन का कितना होता है थर्टी टू ओ टू है आर की वैल्यू एट पॉइंट थ्री वन और टी की वैल्यू टेम्परेचर थ्री हंड्रेड जब हम सबको कैलकुलेट करेंगे सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा पास कितना आएगा 5.85.12 ग्राम मतलब कि इनिशियल मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया 5.85.12 ग्राम अब जब कुछ ऑक्सीजन रिलीज हो गई तो उसके बाद जो प्रेशर था वो था P2 कितना 11 atm दैट मीन 11 इंटू वन पॉइंट जीरो 17 डिग्री सेंटीग्रेड या 290 नाइनटी का वी वही रहेगा मैं बता चुका हूं क्यों क्योंकि गैस भले ही कम हो गई वॉल्यूम उतना ही रहेगा अब माना कि जो नंबर ऑफ मोल बचे वो हैं कितने एन टू और मास जो है बची हुई ऑक्सीजन का वो होगा एम टू तो फिर से आइडियल गैस इक्वेशन से पी टू वी टू इक्वल टू एन टू आर टू आर टी टू या एन टू इक्वल टू एम टू अपॉन एम ये बची हुई ऑक्सीजन का मास मोलर मास नंबर ऑफ मोल बचे हुए तो एन टू इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से पी टू वी टू अपॉन आर टी टू और एन टू वैल्यू हमने यहां से रख दी तो क्या आ जाएगी एम टू अपॉन एम इक्वल टू पी टू इंटू वी टू अपॉन आर टी टू अब यहां से हम मास की वैल्यू निकाल लेंगे M को इस बार ले जाएंगे तो आ जाएगा पी टू इंटू वी टू इंटू एम अपॉन आर इंटू टी टू अब पी टू की वैल्यू हमें पता है इलेवन ए टी एम वी टू इनिशियल जितना था उतना ही है मास भी उतना ही है मोलर मास आर की वैल्यू भी फिक्स है और टी टू चेंज हो गया टू नाइनटी अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 443.67 ग्राम ये बचा हुआ ऑक्सीजन है मतलब कि पहले ऑक्सीजन हमारे पास कितना था इनिशियल ऑक्सीजन था 585.12 ग्राम और अब ऑक्सीजन कितना बचा 443.67 ग्राम अब तो कितनी ऑक्सीजन निकल गई है अब कितना ऑक्सीजन का मास निकल गया तो द ऑक्सीजन टेकन आउट द तो सिलेंडर इज चेंज इन मास दैट इज एम वन माइनस एम टू एम तो वन की वैल्यू पुट कर दी एम टू की वैल्यू पुट कर दी और जो भी आंसर आए दैट इज वन फोर्टी फोर फाइव ग्राम सिलेंडर से वन ऑक्सीजन बाहर चली गई है या रिलीज हो गई है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्टीन पॉइंट फाइव अब हमारे पास एक एयर बबल है जिसका वॉल्यूम हमारे पास है वन सेंटीमीटर क्यूब जब ये राइज होता है बॉटम से फोर्टी मीटर तक

जब ये 40 मीटर ऊपर सरफेस पर आएगा तो सरफेस पर उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड हमें बताना है कि उस सरफेस पर उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा जबकि जो हाइट है बॉटम टू सरफेस वो कितना है 40 मीटर है अब हमें ये मालूम है कि जो सरफेस है वो ओपन सरफेस ओपन है दैट मीन्स उस पर प्रेशर कितना होगा एटमोस्टिक प्रेशर के बराबर होगा दैट मीन्स द प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ लेक विल बी 1 atm इसको हम सरफेस को सेकंड कंडीशन मान रहे हैं और बॉटम को फर्स्ट कंडीशन मान रहे हैं तो बॉटम वाले को हर को 1 1 लेंगे और सरफेस वाले को 2 2 लेंगे तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस p2 कितना आ गया 1 atm या 1.013 105 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और टेंपरेचर सरफेस पर कितना दिया है t2 35 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कि 308 केल्विन अब बॉटम की बात करें तो बॉटम पर हमारे लिए टेम्परेचर कितना है 12 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 285 एटी वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब कि मीटर क्यूब और हाइट कितनी दी है फोर्टी मीटर अब बॉटम पर प्रेशर कितना होगा तो हम जानते हैं प्रेशर कितना होगा P1 वन इक्वल टू पी नॉट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लेक एंड रो इंटू जी इंटू एच वेर रो इज द डेंसिटी ऑफ वॉटर द ग्रेविटी एट इज द डिफरेंस ऑफ द बॉटम एंड सर्फ टॉप सरफेस तो P2 कितना है हमारे पास वन एटमोस्फेयर प्लस रो की वैल्यू टेन्स थ्री ग्रेविटी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट और एच की वैल्यू फोर्टी मीटर इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया थ्री पॉइंट नाइन टू न्यू टेंस फाइव इसको एड कर दिया तो हमारे पास टेन्स फाइव कॉमन आ जाएगा और थ्री पॉइंट नाइन टू प्लस वन पॉइंट जीरो करेंगे तो प्रेशर ऑन बॉटम कितना आ जाएगा फोर पॉइंट नाइन थ्री इंटू टेन परेशन पी वी वाई टी का जो रेशियो वो होना है constant. तो मतलब कि चाहे आप बॉटम पे पी वन वी वन अपॉइंट टी वन ले लें चाहे टॉप सरफेस पे पी टू पी टू अपॉइंट टी टू ले दोनों की वैल्यू क्या चाहिए कॉन्सेंट तो हमारे लिए यहां से V2 चाहिए तो इसको इधर ले आए इसको इधर ले आए तो आंसर क्या आ जाएगा पी वन वी वन टी टू अपॉन पी टू टी वन मतलब केवल वी टू इधर रखा बाकी सबको साइड कर दिया अब पी वन आपको पता है वी वन आपको पता है टी टू आपको पता है पी टू आपको पता है और टी वन भी आपको पता है जब सारी वैल्यू हमने सॉल्व की तो हमारे पास टेन फाइव तो टेन सर फाइव तो ऑलरेडी कट ही गया है और जब हम इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइव पॉइंट टू फाइव नाइन इंटू टेन सो माइनसिक्स मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में बात करें तो फाइव पॉइंट टू सिक्स क्यूब मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा वन सेंटीमीटर के कंपेरिजन में फाइव पॉइंट टू सिक्स सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं थर्टीन पॉइंट सिक्स एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ एयर मोलिक्यूल इन अ रूम कैपेसिटी ट्वेंटी फाइव मीटर क्यूब एट अ टेम्परेचर ऑफ ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड एंड वन ए टी एम प्रेशर मतलब कि हमें ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेडीएम प्रेशर पर किसी कमरे में जिसका वॉल्यूम है ट्वेंटी फाइव मीटर क्यूब उसमें कितने नंबर ऑफ एयर मोलिक्यूल्स होंगे वो पता करनी है तो वॉल्यूम ऑफ रूम वीक्वल टू ट्वेंटी फाइव मीटर क्यूब टेम्परेचर ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड मतलब थ्री हंड्रेड कैलिव

नाउ तो हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही तो निकालने थे तो P इंटू वी इक्वल टू के बी इंटू एन इंटू टी है तो n को इधर रखो बाकी सबको साइड ले जाओ तो क्या आ जाएगा के बी अपॉन में आ जाएगा टीबी अपॉन टीबी अपॉन में आ जाएगा तो n इक्वल टू पी वी अपॉन के बी टी पी की वैल्यू आपको पता है v की वैल्यू पता है के बी की वैल्यू आपको मालूम है बोल्टमैन कॉन्टेंट वैल्यू कितनी होती है वन पॉइंट थ्री इंटू टेन एट इंटू टेनस ट्वेंटी थ्री

ऑफ टेन मिलियन कैलविन दैट मीन द टिपिकल को टेम्परेचर केस ऑफ अस्टार मतलब कि अलग अलग टेम्परेचर पर हमें थर्मल एनर्जी निकालनी है ही तो कैसी है मोनो एटोमिक गैस है ठीक है तो सबसे पहले फॉर हीलियम मोनो एटोमिक गैस के लिए द एवरेज थर्मल एनर्जी कितना होता है तो एवरेज थर्मल एनर्जी कितना होता है थ्री बाई टू के टी के क्या है वही बोल्डमैन कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है into 10 minus अब तो इक्वल टू थ्री बाई टू के टी है हमारे पास तीन अलग अलग क्वेश्चन हो तो यहाँ एक बार टी कितना है ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड मतलब थ्री हंड्रेड के दूसरी बार सिक्स थाउजेंड के और तीसरी बार टेन इंटू टेन सौ सिक्स केलेवन मिलियन है ठीक है तो अब हमें केवल एस की वैल्यू रखनी है अलग अलग बाकी थ्री बाई टू एज एट इज सब जगह के की वैल्यू भी एज एट इज तो थ्री बाई टू इंटू के की वैल्यू पोट की तो कितना गया टू पॉइंट जीरो सेवन अब हमने टी की वैल्यू कर दी और ये टेन सो माइनस ट्वेंटी थ्री चल रहा है सब में बिल्कुल टेंकी वैल्यू अगर चेंज कर दी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इस केस में आ जाएगा सिक्स पॉइंट टू वन इंटू टेन सौ माइनस ट्वेंटी वन इधर सॉल्व करेंगे तो वन पॉइंट टू फोर टू इंटू टेन सौ माइनस नाइनटीन और इधर करेंगे तो टू पॉइंट जीरो सेवन इंटू टेन सौ माइनस सिक्सटीन